थोड़ी सी कम रहेगी जी। सचित सचित जैन जी पूरी टीम के साथ, भक्तों के साथ, मंडल के साथ दिल्ली से आए हैं, एक बार ताली बजाओ। जैन साहब का स्वागत है, सम्मान है। एक और बात मैं घोषणा कर रहा हूं, किसी का नाम ना बोले जाए, ना दिल में यूं धार लो कि बाबा तेरे लिए आया हूं, और ताली बजा लो। हो गया, और को नाम तो उसने देना है, यहां बोलने से नाम नहीं होता, नाम तो उसने देना है। बोल खाटू, अपने अपने मुंह से बोलना, पड़ोसी के भरोसा नहीं। शीश के दानी की, चुलकाना धाम की, खाटू धाम की। आओ बाबा के दरबार में, मंच खाली हो चुका है, इस पर थोड़ा आसार रह रहा है। आगे मेरा निवेदन प्रयास इंटरनेशनल स्कूल के रजिस्ट्रार डॉक्टर मनोज जी से और एमडी अमित बत्रा जी से, वो कन्हैया मित्तल जी का बड़ी फूल माला से स्वागत करेंगे अपने स्टाफ के साथ। सुरेश बत्रा जी भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, श्रीमान सुरेश बत्रा जी भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो भी आ जाए। हेलो हेलो, पुनीत भैया, पुनीत जी, ओके, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए लख दातार की। क्या सभी बाबा के पावन दरबार में एकत्रित हुए हैं बाबा के दरबार से अपनी अपनी झोली भरवाने के लिए? एक बार उस शाम प्यारे के लिए जोर से ताली जरूर लगाएं, क्योंकि जो हर एक भक्त की झोली भरपूर करता है। जरा दोनों हाथ उठा के ताली लगाएं, जरा दोनों हाथ उठा के। ये बात कि सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, के बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता। चलो क्या रंग लाता है मुकद्दर, आज हम भी चमका कर देख लें। कौन कौन बाबा के दरबार में अपने मुकद्दर को चमकाने के लिए आए हैं, जरा दोनों हाथ उठा के कहिए, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए लख दातार की। यूं तो हजारों दर्दमंद मिलते हैं, यूं तो हजारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। यूं तो हजारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। आती है जब मुसीबत की घड़ी तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो हर समय खुला रहता है भक्त के लिए। वो कौन सा दरवाजा? वो मेरे सच्ची सरकार श्याम प्यारे का दरवाजा है। बोलिए सच्चे दरबार की, के कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, के कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, बस ये दोनों ना मत खाइयो, मोहे शाम मिलन की। देखिए आवाज बड़ी कम है, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि बाबा का दरबार बड़ा ऊपर लगा है और हम बड़े नीचे बैठे हैं। बाबा के दरबार तक तो आवाज जानी चाहिए, मेरे तक आए ना आए लेकिन बाबा तक जरूर जानी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलिए शाम प्यारे की। अभी कुछ भक्त ऐसे हैं जो संकोच कर रहे हैं जयकारे में, जयकारे में संकोच ना करें। अगर पानी मैं पीऊंगा तो मेरी प्यास मिटेगी, सही बात है जी। अगर मैं पानी पीऊंगा तो मेरी प्यास मिटेगी, अगर आप खाना खाएंगे तो आपकी भूख मिटेगी। इसी तरह अगर आप जयकारा लगाएंगे, बाबा आपके संग आपके घर जरूर जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलिए लख दातार की, बोलिए हारे के सहारे की। ये बात तो आइए, समय की घड़ियां खत्म होते हुए बाबा के दरबार में बुलंद आवाज के मालिक, सभी के दिलों पे राज करने वाले आदरणीय माननीय कन्हैया मित्तल जी, जरा दोनों हाथ उठा के तालियों से स्वागत कीजिए बाबा के चरणों में। कन्हैया मित्तल जी, दोनों हाथ उठा के ताली लगा के।
तो मैं सभी जितने भी सेवादार समिति के सभी समिति के भक्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा सभी इस स्टेज को खाली कर दे प्लीज। जितने भी मेरे बॉन्सर भाई हैं उनसे गुजारिश करूंगा सभी स्टेज को खाली करवा दें। वाह जी वाह कि मैंने हर रात तारों से सजा रखी है, कि मैंने हर रात तारों से सजा रखी है और शर्तहीन हवाओं से लगा रखी है, कि मैंने हर रात तारों से सजा रखी है शर्तहीन हवाओं से लगा रखी है, ना जाने किस गली से आ जाए मेरे श्याम प्यारे, इसलिए मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है। तो आइए समय की घड़ियां खत्म होते बाबा के दरबार में विश्व की बुलंद आवाज हिंदुस्तान की बुलंद आवाज सभी के दिलों पे राज करने वाले स्वरों के सरताज आदरणीय कन्हैया मित्तल जी जरा जोर से शोर मचा के बयां कर दे कि बाबा के भक्त बाबा के चरणों में बैठे हैं, जरा शोर मचा कर ये बात। आइए बाबा के दरबार में आदरणीय कन्हैया मित्तल साहब चरणों में हाजिरी लेकर। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी स्टेज को प्लीज खाली कर दें, जितने समिति के सेवादार हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा सभी बैठ जाएं, प्लीज सभी बैठ जाएं, स्टेज पे कोई ना खड़ा हो, क्योंकि प्रोग्राम अगर आगाज अच्छा होगा तो इंजाम अच्छा होगा। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी बैठ जाएं, सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं सभी बैठ कर आनंद ले भजनों का, जितने भी भक्त सभी बैठ जाएं। भाई ये सेल्फी वाले है ना, सेल्फी वालों से प्रार्थना सेल्फी रहने दो, उस भगत का मूड बढ़ने दो, सेल्फी के लिए पीछे हमने कमरा बना रखा है वहां खिंचवाइयो को, बस आप भी बैठ जाओ, हमारे बाउंसर भी बैठ जाओ, अकेला बाबा का शेर कन्हैया मित्तल बैठ जाओ भाई, शाबाश बैठ जाओ।
प्रारंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री श्यामदेवा शक्ति पार्वती पति नमः। इस आसमान से आज्ञा ले, इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि जो हवा यहां बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली बजाए वो ताली इस हवा में बहती बहती खाटू श्याम जी पहुंच जाए। क्या पता जो जयकार लगाए वो उड़ता उड़ता खाटू पहुंच जाए। दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों को विराजित करें, उठाए जरा दरो हाथ और चुलकाना धाम का ध्यान धरते हुए बुलाए जरा प्रेम से, आवो जी आवो, 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 मां शक्ति रूपेण संस्थिता। मां या तो मां हिमाचल में वास करती है या फिर हरियाणा में वास करती है। कैसे जो बेरी वाली को मानते हो दोनों हाथ उठे, जो बनभोरी वाली को मानते हो दोनों हाथ उठे, जो गुड़गांवा वाली को मानते हो दोनों हाथ उठे। अगर मां हरियाणा में नहीं है तो कहां है साहब। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। 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 जो नौ देवियों को मानता है, मां मनसा रानी, मां कालका, मां नैना देवी, मां चित्तापूर्णी, मां ज्वाला जी, मां कांगड़े वाली, मां चामुंडा जी, मां जम्मू वाली, मां वैष्णो रानी, दोनों हाथ उठाना। जो माता रानी को मानता है जरा ताली बजा के बुलाना। आ मां आ तुझे दिल ने पुकारा। Yeah.
समान दाता नहीं। बम्बा भोले, आवाज आ जरा बम्बा भोले। अभी अभी शिवरात्रि गई है, आवाज आए जरा बम्बा बम्बा बम्बा। भोले की फौज करेगी मौज, शिव समान दाता नहीं। विपद बिटार नंदी के असवान मेरे, नंदी के असवान ओ 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 मेरे, नंदी के असवान। श्याम प्रेमियों, हम हिंदुओं की खासियत है, हमारा धर्म इतना ताकतवर क्यों है सुनना। हम मंदिर जाएं या ना जाएं, एक कवच प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ बनी हुई है। पहली शक्ति कुल देवता, मित्तल बनेगा, गुप्ता बनेगा, शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, क्या बनेगा, कुल देवता निर्धारित करता है। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, दिल्ली रहेगा, रोहतक रहेगा, पानीपत रहेगा, गन्नौर रहेगा, कहां रहेगा, इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। और तीसरी शक्ति माताएं बहने ध्यान दे, कुल देवी, इसको बेटा देना है कि बेटी देनी है, यह कुल देवी निर्धारित करती है। अगर आप नहीं जानते आपकी कुल देवी कौन है, सुनना, कल सुबह से याद करना किसी भी तस्वीर को देखकर मैया की, कि मां बता हमारी कुल देवी कौन है। आपको किसी के दरवाजे के आगे नहीं जाना, आप ही का कोई रिश्तेदार चल के आएगा कि चल बेटी तुझे दिखाऊं तेरी कुल देवी कौन है, यह कुल देवी होती है। और चौथी शक्ति जिसे हम भूले बैठे हैं और भगवान से भी पहले आती है, भगवान को बुलाए शायद आए ना आए, मगर ये चौथी शक्ति सबसे पहले आकर बैठ जाती है। कौन? मेरे पितर जी महाराज, 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 मेरे पितर जी महाराज। पितरों को याद करना, मैं भी अपनी चार शक्तियों को याद करता हूँ, आप भी याद करना। इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, मेरे 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 बालाजी महाराज। कड़ी महासर कुल देवी कृपा की जो, बुजुर्गों को याद रखा करो, जो इस धरती पे नहीं है जब तक वो रहे उन्होंने हमारा ख्याल रखा, वो स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन करवा लिया लेकिन मुझे भूल गए, इतनी अच्छी जगह पे आ गया लेकिन इसके आगे माथे टेकते नहीं बोला कि स्वर्ग में राजी रखिए उसको। एक बार आज तक पितरों के लिए ताली कीर्तन में नहीं बजाई होगी, दोनों हाथ उठाकर गाना, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा।
करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। अरे सोच कर देखो, अगर पितर ना होते तो क्या हम होते? अगर उन्होंने उस समय धर्म की राह पे ना चलाया होता तो क्या आज हम कीर्तन में बैठे होते? हम भी कहीं भटक रहे होते संसारी दुनिया में। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। धन्यवाद कर दो एक बार दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ उठा के अपने अपने पितरों को नमस्कार करके। जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा। इतनी शक्तियों के बीच एक शक्ति और है, सुनना। श्यावरा मेरा पालनहार है, अंजनी का लाला है दाता, और इन सब से बढ़कर है दुनिया में कौन? हमारी गऊ माता, 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 हमारी गऊ माता। गऊओं के लिए एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाना। जय गोपाल जय गऊ माता, गोपाल जय गऊ माता, जय गोपाल जय गऊ माता, जय गोपाल जय गऊ माता। माइक में कोई नहीं बोलेगा, आज नियम बनाना है, गाना है हर कीर्तन में जय गोपाल जय गऊ माता। गऊओं के लिए ताली बजे जरा, क्या बात है। गऊ माता की सेवा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगर उसको सम्मान दे दिया इससे बढ़कर भी सेवा कोई नहीं। एक बार कैमरा घुमा दो, गौ माता के लिए दोनों हाथ उठे, ये बात। जय गोपाल जय गौ माता, जय गोपाल जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल 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 जय गौ माता, जय गोपाल। अब पता लग जाएगा कि कन्नौर कौन आया है और खाटू श्याम जी कौन आया है, अभी पता लग जाएगा। खाटू और श्याम जी, ये गुदगुदी हर किसी को नहीं होती, जो हर टाइम मांगने 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 जाता है ये गुदगुदी उन्हें नहीं होती साहब। ये गुदगुदी सिर्फ उन्हें ही होती है जो श्याम प्रेमी नहीं, जो श्याम के आशिक होते हैं साहब। एक बार और जरा देखता हूं, खाटू वाले श्याम जी, रहियो सदा दयाल, 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 रहियो सदा दयाल। मैं गरीब हूँ सांवरा, मैं गरीब हूँ सांवरा, मैं गरीब हूँ सांवरा, मैं गरीब हूँ सांवरा, रखना मेरा ख्याल, रखना मेरा ख्याल, रखना मेरा ख्याल, रखना मेरा ख्याल। और सच बताऊं, कन्नौर में यह सामूहिक कीर्तन पहली बार श्याम बाबा का हो रहा है। भैया आप लोग बैठ जाओ, सुनो सुनो सुनो, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो, ये सारे अपने हैं, ये श्याम परिवार ही तो है। और परिवार में अगर कोई अपना नहीं तो वो परिवार कैसा है यार। पर यहां देख के ऐसा कोई नहीं लग रहा कि कोई ये सोच के आया कन्नौर वालों ने कीर्तन कराए तो चलते, नो। यहां जितने बैठे हैं वो यही सोच के आए हैं, चल खाटू नहीं जा पा रहे तो आज खाटू चलकर कन्नौर में आ रहा है यार, वहां चलते हैं। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया, बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया, चढ़ी कुमारी तेरे नाम की तब परवा नहीं संसार की, जब चढ़ी कुमारी तेरे नाम की परवा नहीं संसार की, कभी सुबह जपता कभी शाम जपता माला जपे तेरे नाम की, कभी सुबह जपता कभी शाम जपता।
पार्टू जाने के लिए तैयार रहता है, पार्टू जाने के लिए तैयार रहता है। रोहतक वाले आएंगे, रोहतक से, गोहाना से, सोनी और पानीपत से। अरे बाबा, आज तो देखो 50-50 कर रखा तुमने मामला, सोनीपत और पानीपत वालों ने, और करनाल वाले और गन्नौर वाले और समालखा वाले। खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है। दिन में 100-100 बार जय श्री श्याम कहता है, दिन में 100-100 बार जय श्री श्याम कहता है। प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है। खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है। दिल्ली वाले भी आ गया, ओ किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं। आंधियों से बाबा वो डरता नहीं, आंधियों से बाबा वो डरता नहीं। क्यों? जिन्हें दिखता है, आते तो घर पे बोल के आए हैं कि चाबी बाहर रख देना, थोड़ा लेट आऊंगा, और आते बोल के आए हैं चाबी मुझे ही दे दे, पता नहीं मैं कब आऊंगा। क्यों? जब नजरें लड़ी बाबा शाम से, उन्हें परवाह नहीं संसार की। जब नजरें लड़ी बाबा शाम से, परवाह नहीं संसार की। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। वो बंदा तेरा बाबा वाला श्याम बाबा, आपको मेरी कसम लगती है ये पहली हाजिरी। जो उठाए दोनों हाथ, आप पकड़ लेना उनका हाथ। जो बजाए ताली, 12 महीने बनाए दिवाली। और जो लगाए जयकारा, उनका बनना सहारा। बोलो हारे के सहारे की। मैं करनाल आया था, मैं तो रोहतक आया था, मैं करनाल आया था, मैं तो रोहतक आया था। मेरा गन्नौर आके बाबा माला माल हो गया, मैं तो गन्नौर आके बाबा माला माल हो गया, मैं तो गन्नौर आके बाबा माला माल हो गया, मैं तो गन्नौर आके बाबा माला माल हो गया। अभी बैठ जाओ, अभी तो ट्रेलर है यार, अभी तो मैं वहां भी आऊंगा और वहां भी आऊंगा और वहां भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है। आंखें बंद करना और तोरण द्वार को याद करना, जिसके ऊपर लिखा है हारे का सहारा। बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है। हेलो हेलो नहीं, जय श्री श्याम। हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, बात तेरे साथ करता है। कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है, बाबा शाम मेरे साथ चलता है। इत्र लगा के बाबा वो इजहार करता है, इत्र लगा के बाबा वो इजहार करता है। शाम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, शाम बाबा के जैसा। ये दो लाइनें भरोसे की है। जो पहली बार आज श्याम बाबा के कीर्तन में आए वो बता दो जरा एक बार हाथ उठा के, जो पहली बार श्याम बाबा के कीर्तन में आया है। 90% भगत ऐसे बैठे हैं जो पहली बार आए हैं, और मैं आप सबसे वादा करता हूं, हे श्याम बाबा, मुझे 23 साल हो गए आपके भजन गाते हुए। अगर इन 23 सालों का फल कुछ बनता है तो आज गन्नौर में जो पहली बार आया है वो कभी खाली नहीं जाना चाहिए इस दरबार से। बहुत मुश्किल से ऐसे दरबार लगते हैं, बहुत मुश्किल। आपको क्या लगता है
कि चिलकाना धाम इतना नजदीक है फिर भी गन्नौर में बाबा का कीर्तन नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको कि उसकी मर्जी नहीं थी? नो, वो कह रहा था मैं आ रहा हूं तो 10-20 के लिए नहीं आऊंगा, आऊंगा तो 10-20 हजार का बेड़ा पार लगा के जाऊंगा, इसलिए थोड़ा समय लगाऊंगा। ये दो लाइनें भरोसे की गाना। नाम लेने में इनके कोई हानि नहीं, नाम श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, जब नजरें लड़ी बाबा श्याम से उन्हें परवा नहीं संसार, बाबा श्याम से परवा नहीं संसार के। खटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, बंदा तेरा बाबा भला माल हो गया, बंदा तेरा बाबा भला माल हो गया। ना 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 ना, मैंने लिखा बंदा बंदा, लेकिन बाबा आज सब तेरे बच्चे हैं। हो मुंडा तेरा बाबा माला माल हो गया, मुंडा तेरा बाबा माला माल हो गया, जब नजरें लड़ी बाबा शाम से उन्हें परवाह नहीं संसार की, बाबा शाम से परवाह नहीं संसार की। लोग कहते पागल है, इतना कुछ दे दिया बाबा ने फिर भी खाटू जाने को तैयार रहते हैं, और वो पागल पता क्या बोलते हैं, इन ओस की बूंदों से पत्ते ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जो जो दीवाना है मेरे बाबा का, जरा ताली बजे, तालियां सुनो। तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ, कोई भी लालच के कोई काम ना करे, कोई भी लालच के कोई काम ना करे, झोली भरने बाबा मैं सरयाम आता हूँ, झोली भरने बाबा मैं सरयाम आता हूँ। और जो पहली बार आए ना, वो ये मत सोचना कि 14 तारीख को गन्नौर गए थे और 15 को काम बन जाए। डॉक्टर भी दवाई देता है तो 3 दिन कहता है आराम करो रेस्ट करो तब ये दवाई काम करेगी, और श्याम बाबा को कहता ऐसे करते, क्या बात करते हैं यार। अर्जी लगा के जाना, अर्जी भूलना मत, ये मत सोचना कैसे लगेगी, जैसे लगाते हो वैसे लगा देना। ये बाबा ये नहीं देखता आपकी रोटी पे घी लगा कि नहीं लगा, ये तो 2 दिन पुराने धन्ने की रोटी भी खा गया था साहब, क्या बात करते हैं, धन्ने जाट का भी खा गया था। जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ। मैं श्याम बाबा के मंदिर के बाहर खड़ा था, एक भिखारी आया कुछ मांगने लगा, मैंने उसको 10 रुपए दिए, उसने बोला जा बेटा तेरा नाम हो जाएगा, मैं बोला ठीक है। 5 साल बाद गया तो मैं वो कन्हैया मित्तल नहीं था जो 5 साल पहले था, लेकिन वो वही खड़ा था। वो फिर आ गया, बोला भाई साहब 10 रुपए, मैं पहचान लिया उसको। मैंने मंदिर के बाहर खड़े होके बाबा से आवाज लगाई, बाबा मैं तेरे दर पे साल में 2-3 बार आता हूं और तूने भंडार भर रखे हैं, ये 24 घंटे तेरे दरबार के आगे मांगता रहता है,
ये आज भी भीख ही मांग रहा है। मालूम क्या जवाब आया? बोले कन्हैया, तेरे मांगने और इसके मांगने में फर्क सिर्फ इतना सा है, इसको मंदिर के बाहर भरोसा है, तुझे मंदिर के अंदर भरोसा है। जिसको मंदिर के अंदर भरोसा हो वो बैठना दरबार में, थाली लगाना जरा दोनों हाथ खोल। हमारा काम होगा तुम्हारा। बाबा के चमत्कार सुने हैं ना? और क्यों बैठे? कि वो चमत्कार हमारे साथ भी है। कौन कौन चाहता है? ताली बजे जरा। जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ। कोई भी लालच के कोई काम ना करे, कोई भी लालच के कोई काम ना करे, झोली भरने बाबा मैं सरयाम आता हूँ, झोली भरने बाबा मैं सरयाम आता हूँ। बता देना पड़ोसी को, झोली भरने में बाबा शाम देर ना करे। यार एक मिनट खड़े होना भाई साहब, एक मिनट, और एक बार भाई तू खड़ा हो जा। जब आदमी खाटू जाता है पहली बार तो ऐसा होता है, अब बैठ जा। और जब कई साल हो जावे, क्यों? झोली भरने में बाबा शाम देर ना करे, झोली देर होगी मगर ये अंधेर ना करे, देर होगी मगर ये क्यों नहीं अंधेर करता? जब नैया चलाए बाबा शाम ही उन्हें परवाह नहीं संसार की, कभी सुबह जपता कभी माला जपे तेरे। कौन कौन तैयार है माला जपने के लिए? दोनों हाथ उठा के ओम श्री शाम देवाय नमः, 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 ओम श्री शाम देवाय नमः। माइक पे कोई नहीं गाएगा, ये मंत्र चुलकाना धाम तक जाना चाहिए। एक बार ओम श्री शाम देवाय नमः। ए गन्नौर की धरती, ए बहती हुई हवा, है आसमान, है चलती हुई जोत, आपसे हमारा अनुरोध है, इस महामंत्र को चुलकाना धाम पहुंचा दो, इस महामंत्र को खाटू धाम पहुंचा दो। उठाओ दोनों दोनों हाथ और मिलकर गाना ओम श्री शाम देवाय नमः।
कह दो जय श्री श्याम। अब पहला भजन गाऊंगा, एक बार और कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो जय श्री श्याम। ऐसा लग रहा है कि आज गन्नौर में कीर्तन नहीं हो रहा, हम सारे एक ही बस में बैठ के खाटू श्याम जी पहुंच गए और सारे एक साथ ही दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए और श्याम बगीचे के बाहर खड़े हैं। अब कह दो जय श्री श्याम। कारोबार मेरो बालाजी, हनुमान जी, बिना हनुमान जी के कहीं कुछ नहीं हो सकता। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना, सारे जहां की रक्षा श्री राम जी करें, और राम जी की रक्षा, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे कभी। मुझे जिस भजन से सब कुछ मिला, मैं उस भजन को आपके साथ गाना चाहता हूं। मुझे गाना बजाना नहीं आता, कोसों दूर है मुझसे गाना बजाना, क्योंकि मैं लक्ष्मी का भूत हूं, सरस्वती माता ने तो वैसे सिर पे हाथ रखा हुआ है, मुझे नहीं आता गाना बजाना। मैं तो दुकानदारी करता था, गल्ले पे बैठा करता था, लेकिन माँ सरस्वती बोली थोड़ा सा इधर ना डटले, डट लिए भाई, ये बाप के बीच में खड़े हैं, उसका पता नहीं कब आशीर्वाद दे दे। कारोबार मेरो माला जी चलावे, गाइए कारो, ये कारोबार के लिए गाएंगे आप, रसोई के लिए गाना, घर की शांति के लिए गाना, क्योंकि कारोबार आदमी तभी कर सकता है जब उसके घर में कलेश ना हो। इंसान कमाता अच्छे परिवार के लिए है, अगर उस परिवार में भी कलेश होता रहेगा, वो चाहे 100 का लाख कमा ले, शाम को आएगा तो चेहरा उतरा हुआ ही नजर आएगा साहब, वो तभी मुस्कुराएगा जब आप मुस्कुराने दोगे, समझ गए? आप अपनी रसोई के लिए गाना, कारोबार मेरो, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, ओ मेरी। और जब हनुमान जी कारोबार चलाएंगे तो जी मैं कदे भी खाटो आमेन। ये अनाज मंडी है, सीजन आने वाला है, जहां बालाजी महाराज का नाम लिया जाता है वहां 2 रुपए की चीज 20 रुपए किलो बिकती है साहब। अब आप देख लो क्या करना है, कौन कौन चलाएगा कारोबार बालाजी के सहारे, दोनों हाथ उठा के आज रहा करवा दिया, आपने विभीषण को लंका दिला दी, आपने सुग्रीव को गद्दी दिला दी, यहां जितने भगत बैठे हैं अगर उठाए दोनों हाथ, आप इनकी बिगड़ी बना देना हाथों हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने मनाए दिवाली, और जो मचाए शोर कभी ना रहे कमजोर। Thank you.
करोगे, ऐसे नाचोगे तो कल दुकान कौन संभालेगा। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मेरी गद्दी पे बाबा भी राजे। मैं तो कीर्तन में रम, हनुमान जी को गदा पता किसने दी है? कुबेर भगवान ने, धन के देवता ने। अगर कोई आदमी आपका पैसा नहीं दे रहा ना, तो कल से उसको फोन मत करना, दे दे। एक घोटा लेना 20 रुपए का, चाहे प्लास्टिक का लेना, और मंदिर में चढ़ा देना। बोलना बाबा अब ये घोटा तू ही फेरेगा उसके ऊपर, मैं नहीं फोन करता। क्यों? हनुमान जी के पास जो गदा है, कुबेर भगवान ने वरदान दिया कि जिस पर प्रेम से रख देगा उसके घर में लक्ष्मी की बाढ़ आ जाएगी, और जिसके ऊपर जोर से रख देगा तो पड़ी हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी। तो जिसको हनुमान जी का साथ चाहिए, गाना प्रेम से। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मेरी कत्ती पे बाबा भी राजे। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मेरी कत्ती पे बाबा भी राजे। मुझे जब सारे जहान का मालिक मेरे साथ है, मैं राजस्थान जाता हूं, बोले कन्हैया जी कोई काम हो तो बताना, हमें बिड़ला जानता है। बंबई गया, बोले कोई काम हो बताना, हमें अंबानी जानता है। मैंने उनको बोला जिसने टाटा बिड़ला तैयार किया हमें वो जानता है, तुम्हें कोई काम हो तो बताना। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मेरी कत्ती बाबा भी राजे। मुझे चिंता फिकर अब किसकी, घोटे वाला है जद मेरे सागे। मुझे चिंता फिकर अब किसकी, घोटे वाला है जब मेरे सागे। ओ लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब, लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब। मेरी मेरी रोकड़ रोज मिला है जी, देखो ये बोलना पड़ेगा। लेने देने को ही सब, आरटीजीएस भी यही कराता है, एनईएफटी भी यही कराता है, कैश की ट्रांजैक्शन भी यही करता है। और जो आप कहते हो ना आपके फोन से माल आ जाता है, आपके फोन से नहीं आता जनाब, उसने रेपुटेशन दे रखी है इसलिए फोन से माल आ जाता है। नहीं तो सोच के देखो 10 साल पहले कितना माल आता था आपके फोन से। जब जुड़े दरबार से तभी तो करोड़पति हुए सर, तभी तो। लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब, लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब। मेरी रोकड़ रोज मिलावे जी, मिलावे जी। किसी को प्यास लगी हो और वो सोचे मैं बाहर जाके पानी पी आऊं, तो आपका रिस्क है, जगह नहीं मिलेगी। अगर कुछ और भी है तो भी डटके बैठे रहो। वो देखो कहां कहां बैठे हैं, वो देखो लाइनें जो दर्शन करने की थी वो बंद है। क्यों? जब बाढ़ आती है तो ना तो गांव के अंदर कोई आ पाता है, ना गांव के बाहर कोई जा पाता है। आज ये शाम प्रेमियों की बाढ़ कन्नौर में आई है, उठाओ जरा जरा हाथ। श्याम बाबा के दरबार में ड्योढ़ी में हनुमान जी विराजते हैं, उन हनुमान जी का ध्यान धर के जरा ताली बजे मिलके बोलिए बालाजी महाराज की जय। दरबार है कालका मैया, ये भाई साहब हर बार वहां से आते हैं,
और कालका माई की चुनरी लेकर आते हैं। मैया के लिए एक बार ताली बजेगा। और क्या लग सवा मणि मिष्ठान भंडार खाटू श्याम जी सिकर। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, खाटू से ही बाबा ने प्रसाद भेज दिया कि बेटा आज तो मुंह मीठा करा के भेजूंगा, है बाबा को खिलाओ। ओ कन्नौर में आए बाबा श्याम, हे मुरली वाले, लो आपके सेवक आपके हेडक्वार्टर से ब्रांच ऑफिस में आपका प्रसाद लेकर आए, ग्रहण करो। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया।